दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग S21FE 5G के बारे में कि क्या आपको सैमसंग S21FE कैसी 5 से रिफर्बिश्ड लेना चाहिए या आपको अमेजोन से ब्रांड न्यू सैमसंग S21FE लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। दोस्तों सैमसंग S21FE जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ रीलॉन्च हुआ था 2023 में और एक पुराना वाला सैमसंग S21FE जो एक्जिनोस 21100 चिपसेट के साथ आता है जो 2022 में लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों जब आप कैसिफाई पर जाओगे और सैमसंग S21FE सर्च करोगे तो आपको सैमसंग S21FE रिफर्बिश्ड 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट सुपर कंडीशन में 22,339 में मिलेगा और ऑफर लगाने के बाद ये आपको 21,279 में मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये 2022 वाला मॉडल है जो एक्जिनोस 2100 के साथ आता है। दोस्तों 21,279 में आपको एक रिफर्बिश्ड फोन मिल रहा है और वो भी ओल्ड मॉडल वाला। अगर हम अमेजोन पर सर्च करें सैमसंग S21FE तो आपको अमेजोन पर 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 27,999 में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों मैंने ये कल देखा था, कल ये अमेजोन पर 25,999 में मिल रहा था। तो दोस्तों ये आपको 26,000 से 28,000 तक मिल जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है और ये न्यू मॉडल है जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आता है। तो दोस्तों रिफर्बिश्ड फोन और ब्रांड न्यू फोन में आपको 5,000 या 6,000 रुपये का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप ब्रांड न्यू स्मार्टफोन खरीदोगे तो आपको वारंटी भी मिलेगी और प्लस आपको न्यू मॉडल मिलेगा और दोस्तों न्यू स्मार्टफोन को अनबॉक्स करने की फीलिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको कैसिफाई से रिफर्बिश्ड फोन ना लेकर कुछ पैसे और डालकर आपको अमेजोन से स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं।